पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर आप यहाँ काम देखेंगे तो कामों में उनकी लगन कैसी है, क्या सोचते हैं कामों के बारे में। जब पिछले कुछ दिनों में यहाँ के बहुत सारे पुल गिरने की यहाँ समाचार आ रहे थे, मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की, मुख्यमंत्री जी क्या हो रहा है, उनको भी वो भी बहुत दुखी थे, पीड़ित थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं भी पीड़ित हूं, आप चिंता मत कीजिए। मुझे उन्होंने ये बात कही कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बिहार के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके बिहार के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं मेरे बिहार के बारे में सोच रहा हूं। मैं बिहारी हूं, यहां आने के बाद मेरा और कुछ काम नहीं है, जो भी करना है वो बिहार के लिए करना है। और इसलिए मुख्यमंत्री मेरे साथ है तो और क्या चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री स्वयं मेरे साथ है। और इसलिए विकास करने के लिए जो भी बातें सामने आती हैं, उनके सामने आती हैं, उनके टेबल पर आती हैं, बिना कोई हिचकिचाए हुए वो उसको सम्मत करके काम करने के लिए बता देते हैं। जब एक बार राजभवन में आना हुआ उनका, हम बैठे थे चाय पीते पीते, मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा कि राजभवन में यहाँ एक काम करने की आवश्यकता है। मुझे कहने चले हम जाएंगे देखेंगे। हम आज जो जिसे हम राजेंद्र मंडप कहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों की शपथ ग्रहण भी हुआ है, तो वहाँ मैंने कहा कि इसको डिमोलिश करके ठीक ढंग से परमानेंट राजेंद्र भवन बनाए। मुझे लेकर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर गए। वही के वही उन्होंने अपने डेवलपमेंट कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, उनको बुलाया। 5 मिनट में सभी लोग आ गए। राज्यपाल जो कहते हैं उसको तुरंत करने की आवश्यकता कर दिया उन्होंने, सबको काम को लगा दिया। मैंने कहा मुरिन मुझे यहाँ राजभवन के लिए एक गेस्ट हाउस चाहिए, उसकी भी योजना बनाने को कह दिया। इतने सरल और इतने मुझे लगता है कि प्रेम भावना से वो मुझसे पेश आते हैं, मुझसे मेरे सामने बैठते हैं, मेरे साथ बैठे हैं। सामने शब्द गलत है, मेरे साथ बैठे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। और यहाँ के सभी विकास कामों के लिए यहाँ ध्यान देना उनकी हर दिन की दैनंदिनी बन चुकी है। मुझे तो उनका और एक गुण बहुत ही खाता है, विकास पुरुष तो है। वहां बैठे हुए उस स्थान पर सबको विकास के यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ही होती है। सभी मंत्रियों को साथ में लेकर देना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको सूचना देना, उनको ये उनसे करवा के लेना। परंतु इससे भी ऊपर नीतीश जी का एक स्वभाव है जिसका अनुभव आप सबने किया है, समझ में या ना समझ में यहाँ के अनेक वक्ताओं ने उसका उल्लेख भी किया है। नीतीश जी अजात शत्रु है, अजात शत्रु है, उनके लिए शत्रु कोई नहीं है। किसी भी पार्टी का होने दो, उनके विपक्ष में रहने वाले उनके भी साथ, उनके साथ अच्छे संबंध साथ में है, उनके साथ भी अच्छे संबंध। सबको उनके कामों के लिए बात करना, उनके उनके साथ काम कैसा करना है इसकी एक पूरी योजना बनाना, और वो काम विरोधी हो या विपक्ष के हो या साथी दो, उन सबका उसी ढंग से उसी लगन से काम करना। इसलिए वो अजात शत्रु है। मैंने यहाँ आने के बाद थोड़ी सी उथल पुथल राजनीति, उथल पुथल सत्ता में परिवर्तन देखा मैंने उनको जब देखा, कभी भी उन्होंने उस समय जो विरोधी थे जब मैं आया था उनके बारे में गलत शब्द कभी भी नहीं कहा। और फिर से जब वो सत्ता में दूसरे पक्षों के साथ आ गए तो उन्होंने जिनके साथ होते उनके बारे में भी कभी गलत शब्द नहीं कहा। इसको अजात शत्रु कहते हैं। और मैंने देखा, मैं जब आया था तो सम्राट वगैरह ये सब मेरे मित्र विरोधी दल के थे, विरोधी पक्ष के थे, लेकिन इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये भी लोग जो थे वो नीतीश जी के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें कभी भी नहीं कहते थे।
और आज जो विरोधी पक्ष में है, विपक्ष में है, वो भी नीतीश के बारे में कुछ कहता नहीं, कहते हैं सरकार के बारे में कहेंगे, उनके दल उनका जो है उसके बारे में कहेंगे, लेकिन नीतीश जी का नाम लेकर कभी भी नहीं कहेंगे। This is what he has earned in politics. अगर राजनीति में आकर अजात शत्रु रहना कितना मुश्किल होता है पता नहीं आप सबको, लेकिन नीतीश जी यहां रहे हैं, किसी को भी उनके बारे में दुर्भावना नहीं है। ऐसे नेता जब इस प्रदेश में है, अपने इस विकास के बारे में, ऐसे सभी मेरे महानुभव बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं थोड़ा सा फेस रीडिंग आता है तो आपके चेहरे पर क्या भाव है और आप कितना समय ले लेंगे, ऐसे भाव आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहां बैठे हुए सभी महानुभव किसी न किसी रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है और बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। तो इन सब के भाषणों के बाद और जिन्होंने अपने अपने संबंध जैसे माननीय नीतीश जी के साथ थे हैं, उनको हम सबके सामने उजागर किया है, उन सबके बाद मेरे लिए बचता क्या है बोलने के लिए, ऐसी मेरी भावना है, आपसे भावना से अलग नहीं है। आज का कार्यक्रम एक पुस्तक विमोचन का है, ऐसा इसका एक नामाभिधान है, परंतु केवल यह पुस्तक विमोचन नहीं, माननीय नीतीश जी को मैं पिछले एक वर्ष से बहुत ही नजदीकी से देख रहा हूं। मेरा जब यहां आना हुआ, मेरी नियुक्ति हो गई कि मैं मुझे बिहार में जाना है, उस समय मैं हिमाचल में था, तो शिमला में मैं मेरे कुछ घरगुती अपने घरेलू कार्यक्रम के लिए मेरे बेटे की शादी थी इसलिए मैं गोवा में गया था। वहीं मुझे राष्ट्रपति भवन से खबर मिली कि आपको बिहार में राज्यपाल करके जाना है, बिहार में जाना है। इसको सुनते ही मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। आप हंसते हैं, मेरी अवस्था क्या हुई होगी और वहां मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, दोनों के बारे में मैंने सुना था कि ठीक है अभी जाना तो है ही, तो मैंने मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया और जैसे ही मैंने कार्यक्रम बनाया कि मैंने कहा कि मैं फलाना तारीख को आ रहा हूं, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस मैसेज आ गया, अब एक दिन और दूसरे दिन आ जाइए, उस दिन मत आइए। तो मैंने सोचा क्या ये ऐसे क्या बात है, उनकी उस समय एक यात्रा चल रही थी और उस यात्रा में वो सम्मिलित थे, उन्होंने मुझसे फोन पर बात की और मुझे उन्होंने सूचना की कि ठीक है आप एक दिन के लिए आप बढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है आपकी जैसी इच्छा, मेरा पहला ही अनुभव ऐसा था तो मुझे पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। तो दूसरे दिन आ गया, शपथ विधि वगैरह सब कुछ हो गया, शपथ ग्रहण, और मुझे आपको मैं बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, बिहार के बारे में मेरी जो संभावनाएं विचार था मेरे मन में कुछ जो एक आ रहा था वो, और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में भी जो मैंने सुना था पढ़ा था, इन दोनों भ्रमों को मैं दूर करने में सफल रहा। बिहार के बारे में एक परसेप्शन है, वैसे ही मुख्यमंत्री के बारे में भी था कि मुख्यमंत्री है वो समाजवादी नेता है, लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी के साथ उनका आंदोलन था वगैरह। वैसे तो इस समय के आंदोलन में मैं भी जेल में था गोवा में, परंतु
यहाँ आने के बाद देखा कि इतने बड़े बुजुर्ग नेता है, इनके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा। परंतु जैसे ही उन्होंने नीतीश ने मेरा स्वागत हवाई अड्डे पर किया और बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया, मुझे लगा बात कुछ बनने वाली है, बनने की बात। यहाँ आया, उसी दिन शाम को शपथ ग्रहण हो गया और दूसरे दिन से हमारा मिलना जुलना हो गया। नीतीश जी का स्वभाव यह है कि वो सामने वाले व्यक्ति को आश्वस्त करते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं हूं आपके साथ। पिछले एक वर्ष के लिए मेरी यही पूंजी है कि नीतीश जी ने मुझे जो आश्वस्त किया कि आप यहां आइए, डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। और इसके अनेक सारे उदाहरण आने वाले समय में मुझे मिलने वाले थे, बहुत सारे उदाहरण मिलने वाले थे। और इन सब का मैंने जैसे जैसे आपको बताऊंगा, सभी बताने का भी समय तो है नहीं, परंतु मैंने यहां आने के बाद जैसे बताया है कि मैं कुलाधिपति हूं यहां के विश्वविद्यालयों का, तो विश्वविद्यालय में यहां काम इसके बारे में पढ़ा सुना बहुत कुछ तो था ही, बहुत बुरी भरी बातें मैंने सुनी थी, परंतु इसको कुछ करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बैठक में, उनकी और मेरी जो बैठक हुई, वन टू वन जो मिलना हुआ, उसने उस बैठक में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं जानता हूं आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहां लागू करने का सोच रहे हैं। मैंने यहां के अधिकारियों से के साथ मेरी बात हो गई थी, शिक्षा के अधिकारियों के, उन्होंने कहा कि मैं बाहर अभी कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु आप जो कर रहे हैं बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक है, कर लीजिए, मैं आपके साथ हूं। इसी के बलबूते मैंने आगे कदम बढ़ाए और बिहार की शिक्षा को कुछ करने का प्रयास कर दिया। इसमें मेरा योगदान बहुत बड़ा है ऐसा नहीं, लेकिन आपके पीछे कोई एक शक्ति या ताकत खड़ी रहती है तब आपको आगे जाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे नीतीश जी है, और नीतीश जी ने मुझे बहुत बार ऐसे अनेक आश्वासन दिए और करके दिखाए हैं। नीतीश जी का वर्णन यहाँ करते से मुझे लगता है समरसता कैसी रहनी चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में वो तो विचार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, परंतु इस प्रदेश की सामान्य जनता, साधारण लोगों के लिए उनके मन में जो पीड़ा है, ऐसे नेता जब हमारे पास है तो हमको क्या कमी है। मुझे लगता है बिहार का ये सद्भाग्य है कि इतने वर्षों से नीतीश जैसे यहाँ एक मुख्यमंत्री रहे हैं जो किसी ने किसी के बारे में मन में कुछ अलग भाव नहीं रखा, विरोधी भाव कभी भी नहीं रखा। ऐसे लोग जब होते हैं तब जाकर यहाँ के प्रदेश का विकास होता है। और मैं कहता हूं, शुरू से जो मैंने वाक्य कहा था वो वही उसको दोहराऊंगा कि मेरे यहाँ आने के बाद बिहार के बारे में जो भ्रम था वो टूट गया, और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में था वो भी टूट गया। मुझे पता रहते थे कि मुख्यमंत्री ऐसे हैं वैसे हैं, समाजवादी नेता है ऐसे हैं वैसे, सब हम भी तो समाजवादी ही हैं, समाज के बारे में चिंता करने वाले सभी समाजवादी होते हैं। कभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं समाजवादी हूं, परंतु समाज के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति समाजवादी ही होता है, समाज के लिए काम करते हैं। तो ऐसे नेता और ऐसे प्रदेश के अभी जनता, उन पर प्यार करने वाली जनता, उन्होंने मुझे कई बार उनकी जीविका का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया, कृषि के बारे में कार्यक्रम के बताया, उन्होंने मुझे समझाया क्या होता है, वो दीदी कैसी है, क्या काम करती है वगैरह, और इतने अच्छे काम। मुझे लगता है कि अपने प्रदेश के अनेक प्रदेशों ने माननीय नीतीश जी से सीख लेने की आवश्यकता है, काम कैसा करना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। और इस नेता के बारे में जो बहुत ही अच्छी पुस्तक आज हमारे सामने आई है, आप तो जरूर पढ़ेंगे ही, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभात प्रकाशन के यहाँ प्रमुख है पीयूष जी ना, पुस्तकें तो बहुत सारी प्रकाशित होती हैं, पढ़ने वाले कहाँ हैं।
मेरे सामने हमेशा एक प्रश्न आता है, पुस्तकें तो कितनी सारी आती हैं और बिहार में मुझे हर व्यक्ति जो मिलता है मुझे आकर राजभवन में साथ में पुस्तक लेकर ही आता है और बहुत बार उनकी खुद की लिखी हुई पुस्तक होती है, इतने सारे लेखक हैं। मन में प्रश्न आता है पाठक कहाँ है, लेखक तो है, पढ़ने वाले कहाँ है। मुझे लगता है इसके बारे में प्रयास होने की आवश्यकता है, पढ़ने वाले चाहिए। मैंने एक छोटा सा उपक्रम शुरू कर दिया है, इस बहाने पता के मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मैंने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, आओ पुस्तक पढ़े, आओ पुस्तक पढ़े, पढ़े बिहार बड़े बिहार। हम सब जाकर बच्चों के बीच जाकर मैंने एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, स्कूलों में जाता हूँ, स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ बैठता हूँ, सभी नहीं, आठवीं कक्षा या नौवीं कक्षा के बच्चे जितने 40 या 45 होते हैं उनके साथ, उनका जो पीरियड है क्लास का टाइमिंग है 40 या 45 मिनट, उनके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, पुस्तक पढ़ने के बारे में उनको बताता हूँ और आते समय उनके हाथ में एक एक पुस्तक देता हूँ। पढ़ने की आदत हमारे बच्चों में है नहीं, बच्चों में क्यों, हमारे बीच है क्या, हम पढ़ते हैं क्या कितने, बिल्कुल नहीं। अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को किस भाव से हम बताएंगे बच्चा पढ़ो भाई, नहीं है। इसलिए पुस्तक पढ़ने की भी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं कि नीतीश जैसे एक नेता का चरित्र अगर उनके सामने आ गया, हाथ में आ गया, तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ उसे सीख लेंगे और इस आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे बिहार का ये इस दिशा में हम सबको प्रयास होना चाहिए। ऐसे ही मैं मेरी मनोकामना व्यक्त करता हूँ आज के बहुत ही सुंदर ऐसे कार्यक्रम में। यहाँ सभी बैठे हुए जो लोग हैं, इन सबके कारण मैं यहाँ आ पाया हूँ, मेरा और कुछ इसमें योगदान बिल्कुल नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।